तो कुछ नहीं है श्रेया, यहां पर भी कुछ नहीं है। श्रेया उस तरफ भी कुछ नहीं है। श्रेया ठीक से याद करो ना, कहां पे देखा था? श्रेया सर, शायद उस तरफ जाना है। तारिका, तुम्हारे ऐसे बार बार फोन करने से जंगल में नेटवर्क नहीं आएगा बच्चे। लेकिन इतनी चिंता हो रही है कि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। तारिका अभिजीत अकेला नहीं है जंगल में, और भी लोग हैं ना उसके साथ, दया है, रजत है, वो उसे कुछ होने देंगे क्या? यस सर, आई होप आपकी बात सच हो। मेरी बात ही सच होगी बेटा। हाँ तारिका, सरंखे की बात अक्सर सही होती है। लो अब तो एसीपी साहब ने भी मेरी बात की गारंटी दे दी तारिका, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो सर फिर इस गारंटी के बदले में लाशों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जरूर, इस बार मैं आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आज से पहले मैंने आप लोगों को कभी नहीं दी। सालू के साहब, मुझे पता है कि आप हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देने वाले, यही ना कि इन तीनों का खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जानवर ने किया? नहीं ब्रेडी, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहने वाला। अरे तो फिर इन तीनों के शरीर पे ये खरोंच के निशान कहां से? हाँ, ऊपर से देखने से ये जरूर लगता है कि ये खरोंच, ये काटने के निशान शायद किसी जंगली जानवर के, मगर बॉस इनकी मौत का कारण ये निशान नहीं है, बल्कि इनकी मौत का कारण है ये हरा पदार्थ जो हमें इन तीनों लाशों पर से मिला है। क्या है ये सड़क? एग्जैक्टली क्या है तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने इस लड़की जेनी और इसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया तो पता है मुझे क्या मिला? क्या सर? यही हरा पदार्थ। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है सड़ुंकी की इन लोगों के खून में ये हरे रंग की जेली इंजेक्ट की है? बिल्कुल बॉस। अरे और पता है इस जेली की वजह से इनके शरीर पर क्या असर हुआ? क्या बॉस? इन दोनों का डीएनए बदल गया। डीएनए बदल गया? सर मतलब पहले डीएनए कुछ और था और इस हरे पदार्थ के बाद डीएनए कुछ और हो गया? एग्जैक्टली पूर्वी, और इस डीएनए के बदलने की वजह से ही इन दोनों की मौत हुई है। लेकिन सर कोई किसी का डीएनए क्यों बदलना चाहेगा? ये जरूर किसी साइंटिस्ट का काम है, किसी टेढ़े दिमाग वाले साइंटिस्ट का जो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। जब से श्रेया मिली है कुछ अजीब तरीके से बिहेव नहीं कर रही। श्रेया, 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 इंसान के डीएनए के बदलने का तो पता नहीं, पर इससे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट का पता है। कैसे एक्सपेरिमेंट? सर आइए। ये देखिए सर,
इस साइंटिस्ट का नाम अभिनव प्रकाश है। इसको अचानक ये जुनून चढ़ा कि क्यों ना ऐसा केमिकल बनाया जाए जो इंसान को जानवर बना दे। क्या इंसान से जानवर? हाँ, सोचा कुछ ऐसे ही था, पर ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। और जब इन्होंने रिसर्च शुरू किया ना, तो इनको ये मालूम पड़ने लगा ये जो केमिकल बना रहे हैं ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इन्होंने ये रिसर्च वहीं बंद कर दिया। ओह बॉस, मुझे लगता है वो हरे पदार्थ का आविष्कार किसी साइंटिस्ट ने किया है, इस अभिनव प्रकाश ने। हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने जिन मौतों के बारे में मुझे बताया है उसके जिम्मेदार अभिनव प्रकाश नहीं हो सकते। क्यों? वो क्यों जिम्मेदार नहीं? अब 2 महीना पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। अच्छा, क्या वो इस रिसर्च पर अकेले ही काम कर रहे थे या उनका कोई एसोसिएट भी था? मेरा मतलब है कोई असिस्टेंट वगैरह? नहीं, उनका कोई असिस्टेंट नहीं था। अगर कोई होता तो मेरे रिकॉर्ड में उसका नाम जरूर होता। एड्रेस तो होगा ना अभिनव प्रकाश का आपके पास? अभी देता हूं। अभिनव प्रकाश, जरूर अभिनव प्रकाश ने अपनी रिसर्च की नोट्स घर पर रखे होंगे। मुझे कुछ भी करके उस एक्सपेरिमेंट के नोट्स चाहिए ताकि मैं उसका एंटीडोट बना सकूं और अभिजीत और सारे ऑफिसर्स को खतरे से बचा सकूं। बिल्ली थी, थैंक गॉड। ही है अब लोग सीढ़ी से अभिनव प्रकाश जी का करिए। जी हाँ, लेकिन उनका तो देहांत हो चुका है। हमें पता है। उनका कोई परिवार वाला या बीवी बच्चे? दरअसल अभिनव जी ने अपनी
पूरी जिंदगी साइंस को समर्पित कर दी थी। उन्हें लगता था कि अगर वो शादी कर लेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वैसी इसका मतलब साइंस को लेके काफी जुनून था उनके अंदर। जुनून छोटा शब्द है साहब, यूं समझिए कि साइंस ही उनकी जिंदगी थी, उसी की सांस लेते थे। काफी अच्छी की थी उनकी साइंस के साथ। हमें यहाँ पे कुछ छानबीन करनी है, आप चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं। जी जी जरूर। ये प्रकाश जी अपने जरूरी कागजात और फाइल्स वगैरह कहाँ पे रखते थे? उस कमरे में। ठीक है आइए। इस तरफ। एक बार वो फाइल मिल जाए तो उस केमिकल के एंटीडोट तक भी पहुंच जाएंगे हम। यहां तो कुछ नहीं मिला। यहां भी कुछ नहीं। साहब जो कुछ भी है इसी कमरे में है। एक और कमरा है उस तरफ, वो भी देख लीजिए। ठीक है थैंक्स। ठीक है साहब। हाँ हाँ ठीक है। मिली श्रेया? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा उसे, पता नहीं किस चीज का असर हो गया उस पे। सर, श्रेया! श्रेया? श्रेया? कहां गई थी तुम? श्रेया? नहीं, ये आत्मा नहीं है, ये किसी तरीके का कोई जीव है। नहीं रे, गोली मत चला। आत्मा पागलों है, कहीं ऐसा कोई बचना नहीं चाहिए। जाओ। आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? ना घर पे पहुंची है, ना फोन उठा रही है। कोई ना कोई गड़बड़ है।
तारिका बिना बताए कहीं जाती नहीं है यार। यार कुछ तो बताया होगा सारू की बातों में, कुछ तो बताया होगा। साइंस लैब से बाहर निकलने के बाद कहाँ जाने वाली थी? कुछ नहीं बताया यार, कुछ भी तो नहीं बताया। मुझे लगा थकी हुई है, घर जाकर के आराम करेगी, लेकिन घर पे पता किया पहुंची नहीं है यार घर पे। तो पूर्वी, तारिका के दोस्तों को जानती हो? हाँ सर, तारिका के दो दोस्तों को मैं जानती हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि तारिका गई कहाँ। यार ये तारिका कहीं अभिजीत को बचाने के चक्कर में मोती ढूंढने के जंगल में तो नहीं चली गई यार? नहीं सारुखे, नहीं, तारिका ऐसा पागलपन कभी नहीं करेगी। सर, हम अभिनव प्रकाश के घर से आ रहे हैं सर। तो फिर कुछ नोट्स मिले उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में? नहीं सर, घर का एक एक कोना छान मारा, हर फाइल हर पेपर पढ़ डाले सर, लेकिन इंसान को जानवर बनाने वाला फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लिखा है सर। कैसे सचिन, कैसे कैसे कुछ भी नहीं मिला? अरे वीरेंद्र ने तो बताया था ना कि हमारे देश में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट है, ये अभिनव प्रकाश, जो इस खतरनाक केमिकल पर काम कर रहा है। कैसे कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? सर इस बात से तो मैं भी हैरान, ये अभिनव तो अकेला ही काम करता था, तो फिर उसकी नोट कौन लेके जा सकता है? सर अगर घर में चोरी हुई तो बात अलग है। या फिर सर अपनी मौत से पहले अभिनव ने वो नोट्स नष्ट कर दिए होंगे, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये नोट्स किसी गलत आदमी के हाथ में लग गए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। गलत हाथों तो लग गए फ्रेडी, वो नोट्स गलत हाथों लग गए और इसीलिए तो मौत का खतरनाक खेल शुरू हुआ है। सड़के अब तू ही कर सकता है कुछ, जहर का एंटीडोट बना दे। मैं? हाँ तू बना दे जहर का एंटीडोट। लेकिन बॉस मुझे इस जहर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसमें क्या केमिकल्स हैं, कितनी मात्रा में, आई डोंट नो। मुझे भी कुछ मालूम नहीं सड़के, लेकिन कुछ भी कर बना दे ये इस जहर का एंटीडोट। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई है जो इस जहर का एंटीडोट बनाएगा तो तू ही है। देख सड़के, सैकड़ों लोगों की जिंदगी तेरे हाथों में है, बना दे। यार प्रतिबंध, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हो तुम मुझ पर। अगर अगर इस एंटीडोट का कोई गलत असर हो गया तो क्या होगा सड़के? क्या होगा? वही होगा ना, वही होगा जो होने वाला है, तो होने दे, देखा जाएगा। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, बस सिर्फ एक तिनके का सहारा। बना दे जहर का एंटीडोट सड़के, बना दे जहर का एंटीडोट। सर प्लीज प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर, अगर थोड़ी देर और हम यहां रहे तो इनकी तरह हो जाएंगे। अब लगता है बहुत जल्द मैं कामयाबी के उस शिखर तक पहुंच जाऊंगा जहां चढ़ने के सपने मैं इतने समय से देख रहा हूं। शेर क्या कर रहे हो तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? खुला चुप। बहुत जल्द तुम सब लोग आजाद हो जाओगे इंसानी जिंदगी से। मेरी हरी सेना के सिपाहियों, चलो दिखाओ इन्हें अपनी नई ताकत की नई पेशकश। रस्सी खोलो श्रेया, क्या कर रही हो श्रेया? हमें खोलो श्रेया, श्रेया। सर ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। श्रेया, श्रेया। श्रेया।
श्रेया होश में आओ। श्रेया क्या कर रही है? बस बंद हो गया, वापस अपनी जगह पर। सारंग के तारिका के घर वालों से बातचीत की, पूछा उनसे कहाँ जा सकती हो? नहीं यार, उन लोगों के विचारों को कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना फोन ट्राई कर रहे हैं, तारिका का फोन लग ही नहीं रहा, और हम भी कितनी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, मिली नहीं रही हो यार। यार सारंगे, मुझे एक ही बात की चिंता है, कहीं उस पागल साइंटिस्ट ने अपने उस केमिकल का एक्सपेरिमेंट हमारे ऑफिसर्स पे ना किया हो। अब तो जो एंटीडोट मैंने बनाया उस जहर का, वो काम कर जाए बस। देखते हैं। ये तो हमारी सीआईडी की गाड़ियां हैं। ये है मोती डूंगरी का जंगल। पंखे चल देखते हैं अंदर। अभिजीत ना, अभिजीत रजत, अभिजीत श्रेया, अभिजीत, पंकज, श्रेया, अभिजीत, श्रेया, अभिजीत। कोई तो था सड़के, कोई तो है हमारे पीछे। जंगल में तारिका, दिमाग क्यों नहीं दे रही? बस बस इसे कुछ हो गया है। तारिका, 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 मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं सालुक है, तुम्हारा सालुक है सर तारिका। तारिका की आंखों को क्या हो गया? इसकी आंखें तो बिल्कुल जानवर जैसी हरी पीली हो गई है। बस मुझे लगता है इस पर भी उसी जहर का इस्तेमाल किया गया है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर का इस्तेमाल हमारे बाकी ऑफिसर्स पे भी किया हो? तो बस इस एंटीडोट पर ही सारे उम्मीद है। सुनके जल्दी लगा दे एंटीडोट। ये क्या किया तुमने तारिका?
हो क्या गया तुम्हें? आजा। ठीक है तू? हाँ बस मैं ठीक हूँ, लेकिन ये साइंटिस्ट एकदम पागल हो रहा है। अब ये जिस जिस को ये इंजेक्शन दे रहा है वो जानवरों की तरह से बिहेव कर रहा है। दिमाग कम ताकत ज्यादा। तारिका को जल्दी से एंटीडोट का इंजेक्शन दे दे, दे दे इंजेक्शन जल्दी। लेकिन बॉस वो एंटीडोट का इंजेक्शन तो कहीं गिर गया। इंजेक्शन गिर गया? देख आसपास देख, मैं भी ढूंढता हूं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, मेरा नाम है अभिनव प्रकाश। मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था अपनी मंजिल को पाने के लिए। और क्या है तुम्हारी मंजिल? मेरी मंजिल क्या है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, सिर्फ तुम लोगों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। बहुत जल्द तुम सबको इन जीवों की तरह बना दूंगा। कितने अच्छे हैं ये, कितने खूबसूरत, इनकी इनकी हरी आंखें देखो, इंसानी आंखों से कितनी अच्छी है, इनकी इनकी शरीर की ऊर्जा ताकत देखो, इंसानों के नाजुक शरीर से कितनी बेहतर है। तो फिर क्या फायदा इंसानी जिंदगी जी के, ऐसे क्यों ना बन जाएं? हाँ बंद करो ये पागलपन, न जाने कैसे कैसे केमिकल देके ये हाल बना रखा है इन लोगों का। साइंस के नाम पे बेगुनाह लोगों की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अरे रे 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 अभिजीत, तुम बेवजह नाराज हो रहे हो, जरा सोचो सोचो सोचो, अगर हमारी सीआईडी इतनी शक्तिशाली हो गई तो समाज में कोई भी मुजरिम गुनाह करने से पहले डरेगा। ये दया जो आज तक सिर्फ दरवाजे तोड़ता है, ऐसा बनने के बाद दीवारें पहाड़ न जाने क्या क्या तोड़ेगा। हाँ पूछो पूछो श्रेया से, कितनी खुश है ये अपनी नई पहचान से, नई जिंदगी से, पूछो। ये ले सारुंग। सारुंग है? आरिका? सारुंग है? तारिका देखो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, तारिका तुम मेरी एक बात मान लो, तारिका देखो मैंने जो एंटीडोट का इंजेक्शन तैयार किया तारिका वो तुम लगवा लो तारिका। तारिका तारिका इंजेक्शन कैसा इंजेक्शन? तारिका तुम एक फॉरेंसिक डॉक्टर हो, याद है? मैं भी एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ। तुम यहाँ पर अभिजीत वगैरह को ढूंढने आई थी ना? हाँ
याद है कुछ? हाँ, कुछ कुछ। वेरी गुड तारिका, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एंटीडोट तैयार कर लिया है। हमारे बाकी के ऑफिसर्स कहाँ हैं? याद आ रहा है? हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तारिका, नो प्रॉब्लम, हम उन्हें मिलकर के ढूंढ लेंगे। हाँ देखो, इसी की प्रद्युमन भी हमारे साथ है तारिका, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। हेलो, तू मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा, मैं तुझे लेकर जाऊंगी। छोड़ो तारिका, तारिका छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मुझसे बचना इतना आसान नहीं। तारिका छोड़ो, छोड़ो तारिका, समझो बाप, तारिका। ओह गॉड, लगता है ये केमिकल तो ऑन ऑफ बटन की तरह से काम करता है, थोड़ी देर ठीक हो जाती है फिर वापस से वैसी हो जाती है। तारिका छोड़ो, तारिका के अंदर चली गई सारंगी को लेकर, घुस कर देखना पड़ेगा ऐसा क्या खतरनाक राज छुपा है इस गुफा के अंदर। तारिका, तारिका ये क्या कर रही है तुम? होश में आओ तारिका, होश में आओ तारिका, होश में आओ। ये तो सिर्फ शुरुआत है अभिजीत, देखते जाओ मैं कैसे एक एक इंसान को हरा दानव बना देता हूं। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही खेलूंगा जैसे एक बच्चा अपने नापसंद खिलौनों के साथ खेलता है। तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, फिर उठा के फेंक दूंगा। तेरे दिमाग में इतना जहर भरा हुआ, सोचने की क्षमता खो चुका तू, सामने पापू। सोचने का काम तू मुझ पे छोड़ दे दया, तू बस तमाशा देख। तारिका बांध दो साड़ुंगे को। तारिका क्या कर रही हो? तारिका तुम आजकल क्या कर रही हो तुम? तारिका, तारिका नहीं, छोड़ो ने तारिका, क्या कर रही हो तारिका, क्या कर रही हो तुम? सरुण के ही होगा हमारी फौज का नया सिपाही। तैयार हो जाओ डॉक्टर साहब, हमारी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए। अभिनव मत करो ऐसा ये पागलपन, तुम्हें इन मासूम लोगों को दाना बना करके क्या मिलेगा? ना, मैं चाहता हूं कि बच्चे बच्चे की जबान पर मेरा नाम। नहीं, छोड़ो ने। गुड बाय सरुंके। गुड बाय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। करो मत, मरा नहीं, सिर्फ बेहोश है। जब ये जागेगा तो नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ जागेगा।
बहुत हो गया मेरा जवान। अगर तुझमें हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ खोल दे, हाथ खोल दे। फिर देख, तुझे और तेरे इस दानव सेना को जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम तया नहीं। खत्म हो गया तेरा खेल, समझे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। चाहे कितने भी काबिल हो डॉक्टर सरुम के, पर मेरे जहर का एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मैं ही बना सकता हूं। इनका एंटीडोट काम नहीं करेगा। या तो ये लोग मर जाएंगे या वापस सिर्फ दानवों की तरह उठेंगे। शेर कहा था ना मैंने, कोई एंटीडोट काम नहीं करेगा,
कुछ नहीं होगा, तुम सीआईडी वालों ने इनकी चिता खुद सजाई है। बिल्कुल सही पहचाना, अच्छा खासा प्लान था मेरा कि पहले दुनिया के सामने अपने आप को मरा घोषित करूंगा ताकि मेरी रिसर्च में कोई रुकावट न डाल सके, और फिर जब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा तो पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा, तुम्हारा जरूर नाम हो जाएगा, जरूर नाम हो जाएगा, मगर एक साइंटिस्ट की तरह नहीं, एक मुजरिम की तरह। लेकिन उससे पहले तुम्हें मानसिक चिकित्सालय भेजा जाएगा तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाने के लिए। ले जाओ इसे। I'm really sorry, sir. मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, मैंने आप पे हमला किया, आप पे हाथ उठाया, पता नहीं उस केमिकल ने मुझे क्या बना दिया था। अब तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने जो कुछ भी किया उस हरे रंग के केमिकल की वजह से किया। मुझे भी सालों के सर से सॉरी कहना चाहिए। I hope मैंने उनके साथ ज्यादा बदतमीजी ना की हो। अच्छा, सालों के साहब को सॉरी, और मेरा क्या? मुक्के मार मार के मेरी पसली तोड़ दिया क्या? मैंने तुमको भी श्रेया, वैसे आपने हम सब पर हमला किया था, और सॉरी सिर्फ दया सर को, हमें भी बोल दो। I'm sorry sir। चलो चलो जल्दी करो, और भी काम पड़ा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.